Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 batch. Welcome to Target IAS. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जनवरी 2021 करंट अफेयर्स फॉर इंडियन सब्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए. काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स आप पढ़ लीजिए. इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोग इंडियन सब्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए. बहुत सीरियसली पढ़िए. गेट के एग्जाम आपके कंप्लीट हो गए हैं. इसके बाद आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए. सिर्फ अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और साथ में अगर हो सके तो कंसेप्ट अच्छे करने के लिए टेक्निकल के कन्वेंशन क्वेश्चन भी लगा लीजिए. क्लियर? तो अभी सबसे पहले मेन फोकस करिए प्रीलिम्स में. प्रीलिम्स में जनरल स्टडी और टेक्निकल आपको दोनों को साथ में पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में आपको प्रैक्टिस भी करनी रहेगी और उसमें लास्ट में एक या दो महीने में अगर आप लोग चाहें जनरल स्टडी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पर एक अच्छी कमांड करने के लिए आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा. पर डे आप लोग अगर एक घंटा भी देते हैं तो 2 से 3 महीने में आपका पूरा जनरल स्टडी कवर हो जाएगा. सिर्फ आपको पर डे 1 घंटे पढ़ना है. शाम को कभी भी अपने स्लॉट में से एक टाइम निकालिए और जनरल स्टडी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी. क्लियर? और टेक्निकल साथ में पढ़िए, बिल्कुल पैरेलल में पढ़िए. ऐसा नहीं कि अभी टेक्निकल पढ़ रहे हैं बाद में जनरल स्टडी पढ़ लेंगे. पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एटलीस्ट 1 घंटे पढ़ते रहेंगे. सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट आपकी जनरल स्टडी कवर हो जाएगी. आपके पास लास्ट में बहुत ज्यादा बर्डन नहीं जाएगा और एट लास्ट आपकी जनरल स्टडी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी. तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और दोनों को पढ़िए पैरेलल में. ऐसा नहीं आपने एक चीज पढ़नी है और एक चीज छोड़ देनी है, ऐसा बिल्कुल मत करिए. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी 2021 करंट अफेयर्स और ये आपका कवर होगा जैसे 1 जनवरी से 31 जनवरी 2021 के लिए. चलिए देखते हैं. पहला मैं यहाँ पे पॉइंट कवर किया है क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पॉइंट उठाई, अभी रिसेंटली आपके करंट में था ये, कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन आवर हुए हैं, जैसे आपके 0 आवर हुए हैं या फिर पार्लियामेंट कोई भी सेशन वो सस्पेंड किया जाता है, ऐसा बहुत कम होता है. क्लियर? जैसा अभी हुआ है आपकी ये कोविड पेंडेमिक कंडीशन की वजह से क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था. जैसे विच हैज बीन सस्पेंडेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मानसून सेशन. मानसून सेशन के ड्यूरेशन में इस क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था. इट विल बी रिज्यूम, ये आपका रिज्यूम किया जाएगा दोबारा से व्हेन द पार्लियामेंट मीट फॉर द बजट सेशन. जब बजट सेशन आएगा तो उस टाइम पर आपका ये दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा. सबसे पहले समझते हैं कि आपके एक 1 डे में आपके जिस तरीके सेशन होते हैं आपके पार्लियामेंट में किस तरीके से कंप्लीट होते हैं. वो ऐसे 1 डे इन द पार्लियामेंट लिखा हुआ है. जैसे फर्स्ट आपको फर्स्ट आवर 11 AM से रहेगा, 12 PM तक आपका क्वेश्चन आवर रहेगा. क्लियर? इसमें आपकी अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन रेज करती है MP से. और आपका सेकंड रहता है 0 आवर. 0 आवर में आपके एक अर्जेंट जो भी पब्लिक रिलेटेड इशू रहते हैं उनको रेज किया जाता है 0 आवर में. इसके बाद आपका 1 PM टू 2 PM आपका लंच रहेगा. इसके बाद आपका ये लेजिस्लेटिव बिजनेस या फिर आपके गवर्नमेंटल बिजनेस रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो रिजॉल्व किए जाते हैं. मैं आपके लॉ मेकिंग या फिर सिंपल से बजट को पास किया जाता है. यहाँ पर राज्यसभा आपकी वर्क करेगी टिल 5 PM तक और लोकसभा वर्क करेगी आपकी 6 PM तक. आपको पॉलिटी में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी. क्लियर? तो ये आपके करंट अफेयर्स में आपका ये है रिसेंटली जो आपका न्यूज़ में था क्वेश्चन आवर. विच हैज बीन सस्पेंडेड बाई द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मानसून सेशन. इट विल बी रिज्यूम्ड व्हेन द पार्लियामेंट मीन द बजट सेशन. सेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. वैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ्स में आपका एक सेशन होना चाहिए, एक बार असेंबल होने चाहिए सारे सभी MPs को. तो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कोई भी सेशन को लेकर, लेकिन आपके 3 सेशन है यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करते हैं. जैसे आपका फर्स्ट है आपका बजट सेशन. बजट सेशन आपका और सेकंड है आपका मानसून सेशन और थर्ड है आपका विंटर सेशन. क्लियर? और ये आपका जो बजट सेशन रहता है वो आपका जनवरी से लेके आपका अप्रैल तक रहेगा. मानसून सेशन आपका जुलाई से अगस्त के बीच में आपका कभी भी कंडक्ट किया जा सकते हैं. और विंटर सेशन आपका नवंबर से लेके दिसंबर के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं. तो इस तरीके से 3 सेशन होते हैं. क्लियर? तो ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए. और मैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ अभी. तो सस्पेंशन वाज डन इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक कंडीशन. कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया गया था आपका मानसून सेशन में. अब ये कवर किया जाएगा आपका बजट सेशन जो 2021 में स्टार्ट होगा अभी. क्लियर? उसमें कवर कर लिया जाएगा. द गवर्नमेंट हैड आल्सो कैंसल्ड द विंटर सेशन. गवर्नमेंट ने आपका जो विंटर सेशन जैसे मैंने आपको बताया नवंबर से दिसंबर में उसको भी सस्पेंड किया था, कैंसिल किया गया था. गवर्नमेंट हैड आल्सो कैंसल्ड द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट साइटिंग द रेज नंबर ऑफ द कोविड केसेस. क्लियर? द फर्स्ट आवर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर द
क्वेश्चन आवर, जैसे मैंने बताया जो भी आपकी पार्लियामेंट सेटिंग हो रही है, जो फर्स्ट आवर ऑफ द एवरी पार्लियामेंट सेटिंग रहेगा वो आपका क्वेश्चन आवर रहता है। ये आपका 1 आवर का रहेगा, 11 AM से 12 PM तक। क्लियर। अब इस क्वेश्चन आवर में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस 1 आवर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबिलिटी फॉर द फंक्शनिंग एंड देयर मिनिस्टर्स। क्लियर। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क फॉर द प्राइवेट मेंबर्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो आपके होंगे MPs who are not ministers। क्लियर। तो फर्स्ट आप सिंपली याद रखिएगा, क्वेश्चंस आवर में सिंपली आपके क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे और ये क्वेश्चन सेशन रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है 0 आवर क्या है आपका। तो आपको जैसे आपने यहाँ पे देखा है, क्वेश्चन आवर कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे 11 AM से 12 PM तक आपका क्वेश्चन आवर कंप्लीट होने के बाद आपका 1 आवर का रहता है 0 आवर। 0 आवर में जो आपके इंपॉर्टेंट या फिर सिंपल से बोलिएगा तो अर्जेंट पब्लिक इश्यूज रहते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। इट इज द टाइम व्हेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट MPs कैन रेज द इशू ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस से इशू होते हैं उनको रेज किया जाता है इसमें क्वेश्चन 0 आवर को, 0 आवर में। क्लियर। शेड्यूल ऑफ द सेशन देख लें, अगर हम शेड्यूल ऑफ द सेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया ही अभी इन तीनों के बारे में, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन के बारे में। क्लियर। शेड्यूल ऑफ द सेशन में देखिए, इंडिया डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। कोई भी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर नहीं है इंडिया के पास, किस तरीके से मानसून, किस तरीके से सेशन आपके होने चाहिए। क्लियर। लेकिन हाउएवर द गैप बिटवीन द टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ। लेकिन ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपके जो दो सेशन हुआ उनके बीच में जो गैप कैन नॉट बी एक्सीड फ्रॉम द 6 मंथ, विच मीन्स द पार्लियामेंट मीट्स एट लीस्ट 2 टाइम इन द ईयर। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो मीट्स होंगे वो आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स होने चाहिए इन अ ईयर। क्लियर। बाय द कन्वेंशन, अगर सिंपल सा कन्वेंशन निकालें, दैट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट मीट फॉर द सेशन इन अ ईयर। आपके 3 टाइम्स मिलती हैं आपके पार्लियामेंट में, जो आपके 3 सेशंस रखे गए हैं। पार्लियामेंट मीट्स फॉर द 3 सेशंस इन अ ईयर। फर्स्ट सेशन रहेगा आपका बजट सेशन, सेकेंड मानसून सेशन और थर्ड विंटर सेशन। ड्यूरेशन मैंने आपको अभी बताया था, जैसे ये आपका लॉन्गेस्ट सेशन रहता है बजट सेशन, काफ़ी सी सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो बजट सेशन ये आपका फर्स्ट सेशन रहेगा, जैसे स्टार्ट भी हो रहा है आपका फर्स्ट स्टार्ट टूवर्ड्स एट द एंड ऑफ जनवरी एंड द कंक्लूड्स बाय द एंड ऑफ द अप्रैल। एंड ऑफ द जनवरी स्टार्ट होगा, एंड ऑफ द अप्रैल आपका कंक्लूड कर दिया जाएगा इसको, और द फर्स्ट वीक ऑफ द मई। क्लियर। तो आपका जनरली आपका ये जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में रहता है आपका बजट सेशन। दिस सेशन इज रेसेस सो दैट द पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन डिस्कस द बजट प्रपोजल्स, और इसमें बजट और जो आपके बजटरी प्रपोजल्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है बजट सेशन में। मानसून सेशन की बात करें, देयर इज सेकंड सेशन इन देयर वीक मानसून सेशन व्हिच इज यूजुअली बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई एंड फिनिश इन द अगस्त। जुलाई में यूजुअली स्टार्टेड होता है और ये अगस्त में कंप्लीट कर दिया जाता है इसको। विंटर सेशन है आपकी थर्ड सेटिंग, थर्ड मीट या होगी आपके यहाँ पे। इट इज द थर्ड सेशन हेल्ड फ्रॉम द नवंबर टू दिसंबर। जनरल सी बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी, शायद रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसीलिए। तो क्वेश्चन आवर ये आपके इस टाइम पे आपकी सस्पेंडेड कर दिए गए थे और ड्यू टू द पेंडेमिक कंडीशन। और आपकी बात कर रहे हैं अगर हम लोग विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट साइटेड अ रेज नंबर ऑफ कोविड-19, इसको भी आपको कैंसिल कर दिया गया था, इस बार विंटर सेशन को भी कैंसिल किया गया था। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों याद रखिए आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड, ये स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ये दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। क्लियर। ये आपके स्कॉच चैलेंज अवार्ड दिया जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस, और ये इस बार दिया गया है ट्रिब्यूनल अफेयर्स मिनिस्टर्स अर्जुन मुंडा को दिया गया है। विल बी ऑनर्ड द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड इन द वर्चुअल सेरेमनी इन द 2000। आपको ये डेट याद करके रखने की जरूरत नहीं है कि आपके 16th of July 2021 को दिया गया था। सिंपल सा आपको डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री आपको याद करके रखनी पड़ेगी, ट्रिब्यूनल अफेयर्स मिनिस्टर, तो ट्रिब्यूनल अफेयर्स को दिया गया है। इसके मिनिस्टर जो थे, मिनिस्टर ऑफ जो मिनिस्टर है यहाँ पे अर्जुन मुंडा, तो आपको अर्जुन मुंडा ये आपको नाम याद करके ना करना पड़ेगा। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसको दिया गया है, अर्जुन मुंडा को। क्लियर। द अवार्ड हैज बीन कन्फर्म्ड
टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर्स फॉर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है, फॉर इट्स आईटी लेड इनिशिएटिव एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स दैट आर लीडिंग टू आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और प्रॉपर एक बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस, जैसे आप ऑप्शन में दे सकते हैं किसकॉस चैलेंजर अवार्ड जो दिया गया ट्रिब्यूनल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इस मिनिस्ट्री को दिया गया है, इसके बेस्ट परफॉर्मेंस लिख लीजिए यहाँ पर, बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस, क्लियर। तो इसको चैलेंजर अवार्ड याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं प्रयास इनिशिएटिव। ये प्रयास इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया गया है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के थ्रू। रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव कॉल्ड प्रयास। रिसेंटली स्टार्ट किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा टू प्रोवाइड सपोर्ट और कम्युनिटीज लिविंग नियर टू द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फ्यूल स्टेशन, जो भी आपकी बहुत वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी आप बोल सकते हैं, उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट और प्रोवाइड कर रही है आपकी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो सपोर्ट टू द कम्युनिटीज लिविंग नियर दी, जो आपके आसपास रहते हैं IOC के आसपास रहे हैं उनको, क्लियर। एट द स्टार्ट ऑफ द प्रयास इनिशिएटिव IOC दिल्ली स्टेट ऑफिस पर्सनल्स विजिट टू द नाइट शेल्टर्ड नियर द IOC फ्यूल स्टेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट टू देम। तो आपके ये आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे एज अ स्टार्ट ऑफ द प्रयास इनिशिएटिव, जो स्टार्ट किया गया प्रयास इनिशिएटिव IOC दिल्ली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दिल्ली स्टेट जो ऑफिस पर्सनल थे वहाँ पे वो विजिट किए रात में और नाइट शेल्टर्स दो थे उनको नियर द IOC फ्यूल स्टेशन डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट टू देम, उनको ब्लैंकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ठीक है। तो प्रयास इनिशिएटिव With this initiative, the company aimed to address the need of the weaker section of the society. इन सारी चीजों को weaker section और जो आसपास रह रहे हैं IOC के उनको address कर रहा है यहाँ पे IOC। Next point मैंने cover किया यहाँ पे Donald Trump become the first president to be impeached twice। ये आपके ऐसे president रहे जिनको दूसरी बार इनको महाभियोग implement किया गया impeached twice, क्लियर। The US President Donald Trump has become the first president of the country to be impeached twice. जो impeachment रहता है जैसे removal of the president है वो आपका दोबारा किया गया, इनको दोबारा हटाया गया इस तरीके से, impeachment किया गया इनको twice. Impeachment of the Donald Trump यहाँ पे लिखा हुआ है the House of the Representative of the United States recently voted for the charge President Trump with inciting move attack on the US Congress. ये सरचार्ज लगा के इनको impeachment किया गया था, but then recently President Trump instructed his supporters to march into the US Capitol building to overturn the US President election held in 2020. This ended up with, और ये सारी चीजें बहुत rarely ended up with armed standoff, clear? तो second time इनके पास impeachment apply किया गया था हटाने के लिए। अगर हम provisions देखें यहाँ पे United स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें किस तरीके से इंपीचमेंट अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसीजर लिखा है मैंने, मे बी आपके एग्जाम में पूछ लें। द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से दैट देयर आर टू वेज ऑफ पनिश एंड इंपीच्ड ऑफिशियल, किस तरीके से पनिश किया जाता है, दो वे। वन इज द रिमूवल द इंपीच्ड ऑफिशियल फ्रॉम हिज ऑफिस एंड डिस्क्वालीफाई हिम टू होल्ड एनी ऑफिस फॉर द ऑनर प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। तो इस तरीके से वो लोग डायरेक्ट इंपीचमेंट रिमूवल कर रहे हैं। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे इज टू रिमूवल द ऑफिशियल बाय द कन्विक्टिंग विद टू थर्ड मेजॉरिटी फ्रॉम द यूएस सीनेट, ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी नीडेड फॉर द डिस्क्वालीफाई। तो सिंपल मेजॉरिटी डिस्क्वालीफाई कर सकते हो और टू थर्ड मेजॉरिटी यूनिट सीनेट के तो उसको हटा सकते हैं, क्लियर। सेकंड वे इज टू रिमूवल ऑफ द ऑफिशियल बाय कन्विक्टिंग विद टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द यूएस सीनेट, अगर टू थर्ड मेजॉरिटी से पास करती है तब भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से किस तरीके से इम्पीचमेंट अप्लाई किया जाएगा यूएस प्रेसिडेंट पे। ग्राउंड ऑफ द इम्पीचमेंट, ग्राउंड क्या रखा है, रख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बेस्ड ऑन द एक्विजिशन सच एज ट्रेजर्स, हाई क्राइम और ब्राइवरी और
मिस्टमर्स, तो इस तरीके से हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, क्या प्रोसेस, क्या प्रोसेस। फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैज टू वोट फॉर द चार्जेस फॉर्म्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट का हाउस, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव है, उसको प्रॉपरली वोट करना पड़ेगा चार्ज ऑफ फॉर्म्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। देन आफ्टर द पासिंग द वोट विद सिंपल मेजोरिटी, जब सिंपल मेजोरिटी सारे वोट पास हो जाएंगे, द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, प्रेसिडेंट को हटाए, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट किया जाएगा। हाउ एवर ही नॉट रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, लेकिन तब भी उसको हाउस से रिमूव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फेज में क्या किया, द नेक्स्ट फेज ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसेस, यूएस सीनेट, यूएस सीनेट दैट इज द अपर हाउस ऑफ द कन्वर्ट लाइक अ कोर्ट, द hearing are held and the president shall be removed from the office only if the two-third of the senate vote for it. agar two-third majority se agar vote aa gaye against president, tab president ko remove kar diya jayega. this is the procedure of impeachment of us president. process of impeachment of an indian president, indian president just related tha to maine yahan pe cover kiya thoda isko, kis tarike se impeachment kiya tha. basically was simple, bahut tough nahi hai yahan pe, क्योंकि इतना पावर भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी नहीं है प्रेसिडेंट को. तो प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट देखते हैं. अगर ग्राउंड रखा जाए, इम्पीचमेंट का ग्राउंड रखा जाए, तो वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई वॉल्यूशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं. प्रेसिडेंट अगर वॉल्यूशन करता है तो उनको हटाया जा सकता है. द इम्पीचमेंट चार्ज ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट आर इनिशिएट आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा. अगर इम्पीचमेंट अप्लाई करना है प्रेसिडेंट के लिए तो किसी भी हाउस में स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, आप लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है ये. आफ्टर द इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ द टू थर्ड इन वन हाउस, कोई भी हाउस हो, लोकसभा या राज्यसभा, यहाँ पे आपका टू थर्ड मेजोरिटी से अगर आपकी वोटिंग से ये पास हो जाता है रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में, आपका भले लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, देन इट इज सेंड टू द अदर हाउस, देन ये दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा. अगर ऐसे लोकसभा में पास होता है तो राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में पास होता है तो लोकसभा में भेज दिया जाएगा. द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, और अदर हाउस पे चार्जेस लगाए गए हैं फर्स्ट हाउस के थ्रू, तो सेकेंड हाउस में आपके जाके इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे. इफ द अदर हाउस इज ऑल्सो सस्टेन द चार्जेस, अगर ये अदर हाउस ने भी चार्जेस को सस्टेन करके रखा, एन इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज ब्रॉट इन, तो ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा. इफ द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड विद टू थर्ड मेजोरिटी, द प्रेसिडेंट इज सेट टू बी इम्पीच्ड. अगर टू थर्ड मेजोरिटी से पास हो गए तो यहाँ पे आपके इज सेट टू बी इम्पीच्ड कर दिया जाएगा, इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा. और वॉल्यूशन क्या रख सकते हैं, बेस क्या रखेंगे, वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट. 2020 ट्राइज रिकॉर्ड फॉर द हॉटेस्ट ईयर एवर, नासा एनालिसिस सोर्स. ये नासा के एनालिसिस को बहुत, आप ये एनालिसिस देख सकते हैं यहाँ पे, पहले कितना कोल्ड था यहाँ पे, नेगेटिव टेम्परेचर रहता था 1940 तक, कुछ रेज हुआ टेम्परेचर इसके बाद, अभी आप देख लें रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा है. तो बेस लाइन से आपका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है आपका टेम्परेचर, और ये आप देख सकते हैं 2016 में जो आपका टेम्परेचर था आपका 2020 में सेम उससे हाईएस्ट थोड़ा और बढ़ गया है यहाँ पर. तो अर्थ ग्लोब एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन द 2020 टाइड विद 2016 एज द वार्मेस्ट ईयर इन द रिकॉर्ड. ठीक है, टाई रहा है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस बाई द नासा. और ट्रैकिंग ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स प्रोवाइड अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन ऑन द आवर प्लानट अर्थ. एवरेज टेम्परेचर हैज बीन रेज मोर देन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस और या फिर 2 डिग्री फॉरनाइट सिंस इन द लेट 19th century. 19th century से आपका ही लगभग आपका 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है, और अगर आप लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से तब की बात करें तो एवरेज 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है. सिंपल सा याद रखिए, 2020 में ट्राइज रिकॉर्ड फॉर द हॉटेस्ट ईयर एवर, नासा एनालिसिस शोज. चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फसाई न्यू
ट्रांस फैट लेवल्स या आपके FSSAI ने आपके ट्रांस फैट के लेवल्स थे उनमें थोड़ा और रिफॉर्म किया है, चीजें सुधारी हैं। द फूड सिक्योरिटी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ द इंडिया FSSAI हैज रिड्यूस द लिमिट ऑफ द ट्रांस फैट इन द फूड। जो आपकी ट्रांस फैट की जो लिमिट थी उसको रिड्यूस किया है। देखते हैं क्या आप नए पैरामीटर्स क्या सेट किए हैं। एट प्रेजेंट FSSAI हैज लिमिट ऑफ द ट्रांस फैट कंटेंट इन द फैट एंड ऑयल इज 5%। तो आपकी रिसेंटली जो ट्रांस फैट कंटेंट्स की जो लिमिट थी वो 5% थी। अब क्या करती है, आफ्टर द नोटिफिकेशन द ट्रांस फैट लिमिट विल बी रिड्यूस टू 3% इन 2021 एंड 2% बाय द 2022। क्लियर। बहुत सारी हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है ट्रांस फैट की वजह से, काफी हार्मफुल रहता है। तो फूड से जो प्रोसेसिंग फूड से उनसे काफी चीजों को रिमूव, ये ट्रांसफैट को रिमूव करने के लिए FSSAI के रेगुलेशन आते रहते हैं। पहले आपका 10% था इसमें ट्रांसफैट, फिर रिड्यूस करके आपका 5% कर दिया गया है। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 2021 में आपके जो रहेंगे रिड्यूस करके 3% रहेगा और 2022 तक 2% रहेगा यहाँ पर। क्लियर। द रिवाइज लिमिट विल अप्लाई टू एडिबल रिफाइंड ऑयल, जो भी आपके एडिबल रिफाइंड ऑयल बन रहे हैं उनमें भी ये सारी चीजें, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और बेकरी एक्सेट्रा, इन सभी में आपकी जो ट्रांसफैट की मैक्सिमम वैल्यू रह सकती है आपकी 3% रह सकती है इन 2021 एंड 2% बाय 2022। इन 2011 द गवर्नमेंट हैड रिड्यूस्ड द ट्रांस फैटी एसिड लिमिट फ्रॉम द 10% टू 5%। 2011 में आया था, 2011 के पहले आपका ये 10% था। क्लियर। अब इसके बाद 2011 के बाद ये 5% कर दिया गया है। अब 3% रहेगा 2021 के लिए और 2% रहेगा आपका 2022 के लिए। WHO aim to global elimination of the trans fat by 2023। इस एम को कंप्लीट करने में भी आपका FSSAI काफी हेल्प कर रहा है 2023 तक। WHO का एम है कि ग्लोबली एलिमिनेशन ऑफ द ट्रांस फैट बाय 2023। क्लियर। द कंजम्पशन ऑफ द ट्रांस फैट रिजल्ट इन द हार्ट रिलेटेड डिजीज। इंडिया हैज द हाईएस्ट बर्डन ऑफ द हार्ट डिजीज ड्यू टू द हाई ट्रांस फैट इन द वर्ल्ड। लगभग 60,000 पर्सन एवरी ईयर डेथ हो जाती है जिनकी ट्रांसफैट की वजह से आपकी, मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज की वजह से इनकी डेथ होती है। काफी बड़ा नंबर है तो ये रिड्यूस होगा धीमे से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया बिगिंस 2 ईयर टर्म्स एज अ नॉन परमानेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने आपको ये जो स्टैटिक जी के मैंने आपके अलग से बनाए हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने यूनाइटेड नेशन से फंक्शंस बॉडीज सारी मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दी, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो इंडिया बींग्स 2 ईयर टर्म्स एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पहले आप लोग नॉन परमानेंट तो मेंबर्स आपके चेंज होते रहते हैं, आपके आपके परमानेंट मेंबर है वो आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो इस बार इंडिया को चांस मिला है 2 ईयर के लिए टर्म्स ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो परमानेंट मेंबर रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, US है, UK है आपका। ये तो इम्पोर्टेंट है, पहले भी बताया था मैंने, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इंडिया बीइंग 2 ईयर टर्म्स एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। इंडिया बिगेन इट्स 2 ईयर टर्म्स एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द January 1st, 2021। दिस इज द 8th टाइम दैट द नेशन विल have a seat in the powerful organ of the United Nations. ये काफी powerful organ है आपका ये United Nations का, United Nations Security Council. 4 other nations जैसे आपके Ireland, Kenya, Mexico and the Norway has also begun their 2 year terms at the United Nations Security Council. 2 year terms of our non-permanent member. चलिए देखते हैं वासुकी ये आपकी longest train है, आप देख सकते हैं काफी लंबी ट्रेन है आपकी ये और इसकी लेंथ 3.5 किलोमीटर है। ये इंडिया की सबसे इंडियन रेलवे साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे CSECR जोन हैज क्रिएटेड अनदर रिकॉर्ड व्हेन इट ओपन अ लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ऑन द इंडियन रेल नेटवर्क। ये सबसे लॉन्गेस्ट रेल बनाई आपकी ये और द टोटल लेंथ ऑफ द फ्लाइट ट्रेन वाज अराउंड 3.5 किलोमीटर्स और द फ्राइट ट्रेन वाज नेम्ड वासुकी और उसका नाम क्या दिया गया है वासुकी। द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर्स और इस ट्रेन ने डिस्टेंस जो कवर की है 224 किलोमीटर ट्रेन।
कवर किया फ्रॉम द भिलाई टू कोरबा और विच फॉल्स अंडर द बिलासपुर डिवीजन इन 7 आवर्स। और उसने 7 घंटे में आपका ये पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी। द वासुकी की ट्रेन कंप्रेस्ड ऑफ द 300 बोगी, जिसमें कितनी है 300 बोगी ऑफ द लॉन्ग हॉल रेक ऑफ द 5 गुड्स ट्रेन एंड द वाज ऑपरेटेड बाय द वन पायलट वन असिस्टेंट लोको पायलट एंड वन गाइड। और जो आपकी पूरी लॉन्ग हॉल रैक बनी हुई है 5 गुड ट्रेन्स को, मतलब 5 ट्रेन को 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 ट्रेन को जोड़ के एक सिंगल ट्रेन बनाई गई है इसमें, क्लियर। तो इसकी लेंथ 3.5 किलोमीटर है। वासुकी की आपकी लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है अभी तक की इंडिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 और जिसमें इंडिया की रैंक है आपकी फोर्थ रैंक पे आपका इंडिया। यूएसए इज रैंक्ड फर्स्ट इन द पोजीशन फॉलोड बाय द रशिया, चाइना, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। चलिए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ लेते हैं थोड़ा। इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द ग्लोबल फायर पावर GFP सिंस 2006। इट्स रैंक 138 कंट्रीज व्हिच आर इवैल्यूएटेड ऑन ईस्ट कंट्रीज, जैसे ये आपके पोटेंशियल एवोल्यूशन किए जाते हैं इसमें पोटेंशियल वार मेकिंग कैपेसिटी अक्रॉस द लैंड सी एयर बाय द कन्वेंशनल मीन, पूरे कन्वेंशनल मीन्स के थ्रू 138 की कंट्रीज की रैंकिंग निकाली जाती है ऑन द वार कैपेसिटी। ये पोटेंशियल देखें आप लोग, पोटेंशियल इन द वार मेकिंग कैपेसिटी इन द फॉर्मेट ऑफ द लैंड सी एंड एयर, क्लियर। तो ये सबसे पहले देखते ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखता है कैपेसिटी ऑफ वार मेकिंग कैपेसिटी कितनी है आपकी इस पर्टिकुलर कंट्री में। तो आपके लिए देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन पे आपका इंडिया यहाँ पे, क्लियर। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द 50 इंडिविजुअल्स फैक्टर फ्रॉम द ज्योग्राफी टू द लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी। इट इज ऑल्सो इंक्लूड मैन पावर, लैंड फोर्स, एयर फोर्स, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्सेज, लॉजिस्टिक एंड द फाइनेंशियल्स। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से याद रखिए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द वार मेकिंग कैपेसिटी, या सिंपल से ये पोटेंशियल वार मेकिंग कैपेसिटीज चेक करता है अक्रॉस द लैंड सी एंड द एयर बाय द कन्वेंशनल मीन्स। और इसमें आपकी इंडिया की फोर्थ पोजिशन है और यूएसए इज रैंक्ड फर्स्ट इन दिस पोजिशन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना 3.0 दो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, 1.0, 2.0, अब ये 3.0 लॉन्च कर दिए ये सक्सेसफुली। द थर्ड फेज विल बी स्प्रेड हेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये आपको डिपार्टमेंट याद करना पड़ेगा कि स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसके थ्रू आपका स्प्रेड हेड किया जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। It will focus on the new age India and the इसका focus रहेगा new age India पर on COVID related skills पर, क्लियर। Objective देखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना third phase PMKVY 3.0 will focus on the training 8 lakh candidates during the scheme period of the 2020 to 2021 with an outlay of 948.9 crore। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप सिंपल से याद रखिए, सुपर हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, फोकस ऑन द न्यू एज इंडिया एंड कोविड रिलेटेड इशू। लंपी स्किन डिजीज ये आपकी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है आपकी इंडिया में। दिस डिजीज इज बीइंग रिपोर्टेड, आपकी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। देखिए आपकी लंपी स्किन डिजीज है आपकी डिजीज लंपी स्किन, अभी इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। डिजीज लंपी स्किन डिजीज इज स्प्रेडिंग अमंग कैटल्स अक्रॉस सेवरल विलेजेस इन द कमाना इन केरला वायनाड डिस्ट्रिक्ट। केरला स्टेट में आपकी स्टार्ट हो गया, ये रिपोर्ट मिला ही इसमें केरला स्टेट में। लंपी स्किन डिजीज LSD इज अ डिवास्टिंग डिजीज ऑफ द कैटल बफेलो कॉज्ड बाय द कैप्रीपॉक्स वायरस, ये वायरस याद रखिए कैप्री
पॉक्स वायरस, मैं इसलिए लिख रहा हूं दोबारा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो लंपी स्किन डिजीज, और ये डिजीज आपके कैटल्स में है और बफेलोस में वगैरह में है, तो ये इसका मेन कॉज्ड बाय द कैप्रीपॉक्स वायरस। चलिए देखते हैं, डीआरडीओ हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू सीआरपीएफ। ये देखिए आप रक्षिता को आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपकी इंपैक्ट साइट में पूरा अरेंजमेंट लगाया गया है यहाँ पे, और उसका नाम दिया गया रक्षिता टू सीआरपीएफ, सीआरपी को हैंड ओवर किया डीआरडीओ, डीआरडीओ हैंड ओवर द मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू सीआरपीएफ। डिफेंस रिसर्च, जो आपके डिफेंस डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडेड ओवर मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता टू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को हैंड ओवर किया था। रक्षिता इज फिटेड विद द कस्टमाइज रैकलिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट CES, which can be fitted in the taken out as per the requirement, fitting or taken out as per the requirement, clear? तो यहाँ पे ambulance की काफी requirement रहती है, और bike ambulance अगर यहाँ पर रहेगी काफी beneficial रहेगा आपके CRPF के लिए। तो ये develop किया है by the DRDO, रक्षिता developed by the DRDO। भावना कांत के बारे में देख लिए हैं, आपकी इंडियन लेडी है, इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट, इंडियन एयरफोर्स वुमेन फाइटर पायलट है ये भावना कांत, विल बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू अटेंड द रिपब्लिक परेड टू बी हेल्ड इन द 26 जनवरी 2022। तो आपकी फर्स्ट वुमेन फाइटर प्लेन पायलट है आपकी भावना कांत, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से आपका ये अटेंड किया है रिपब्लिक डे परेड। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। चलिए देखते हैं इसमें, द फिफ्थ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया, आपकी स्टार्ट हो रही है 2017 में आपकी ये इस तरीके से, फिफ्थ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है आपकी फिफ्थ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम वाज हेल्ड इन 28 जनवरी 2021, इसको याद करने की जरूरत नहीं, इन इंडिया जो आपकी फिफ्थ मीटिंग हुई है, और ये आप इंडिया में न्यू दिल्ली में आप ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। द मीटिंग वाज को चेयर्ड बाय द फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला एंड द सुजुकी सतोशी एम्बेसडर ऑफ द जापान इन इंडिया। द AEF एक्ट ईस्ट फोरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2017 टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया और जापान कोलैबोरेशन इन द और नॉर्थ ईस्ट रीजन अंडर द इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्लियर, इस तरीके के प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया था, एंड जापान विजन फॉर द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम मोदी नेम्ड एज अ नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। पीएम मोदी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन of the trust which is managed the world famous Somnath temple in the Gujarat। तो आपके श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट, और ये किसके सोमनाथ टेम्पल के ट्रस्ट के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। विद दिस डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बिकम द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड द पोस्ट आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई, जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, आपके ये फर्स्ट टाइम बने थे यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट, अब सेकेंड आपके यहाँ पे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में आपको लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में बताया था आपको, खेलो इंडिया स्पोर्ट के बारे में। किरण रिजिजू लॉन्च द फर्स्ट खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आपका शिलोंग में स्टेब्लिश किया गया है, आपका किरण रिजिजू ने आपका ये स्टेब्लिश किया है इस तरीके का स्कूल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट किरण रिजिजू हैज लॉन्च द असम राइफल्स पब्लिक स्कूल इन द शिलोंग, इस शिलोंग में इसको स्टेब्लिश किया गया। इट इज द फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल अंडर द खेलो इंडिया स्कीम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ये पहला स्कूल है आपका ये अंडर द खेलो इंडिया स्कीम
for the Northeast. The main aim of the Khelo India Sport School is to be identify the young talent as earlier age and the provide them with proper training, competition, exposure and the स्पोर्ट इक्विपमेंट एंड द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना है, मेन एम इसका। खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल विल आल्सो हेल्प द टैलेंट स्पोर्ट स्टूडेंट टू कम्पीट विद देयर एजुकेशन, उनको एक कंपटीशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा इस तरीके से इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट और इनके एजुकेशन के साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिंगल नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द कोल माइंस। यूनियन मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन जनवरी 11, ये डेट से याद करने की जरूरत नहीं है आपके, अमित शाह लॉन्च सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द कोल माइंस। कोल माइंस के लिए एक प्रॉपर एक सिंगल विंडो सिस्टम स्टेबल कर दिया गया है, जो भी क्लियरेंस चाहिए रहेंगे कोल माइंस को उनके लिए। इट इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑप्टेन क्लियरेंस फॉर द स्मूथ ऑपरेशन एलोकेशन ऑफ द कोल माइंस। मतलब किस तरीके से एलोकेशन रहेंगे, जो भी रेगुलेशन रहेगा प्रॉपर आप ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द कोल माइंस। फर्स्ट राइस मिल, द फर्स्ट राइस मिल एटीएम इज गोइंग टू सेटअप इन द बेंगलोर, ये आपके बेंगलोर में सेटअप किया गया है। द इनिशिएटिव इज टू पार्ट ऑफ द अन्नपूर्ति प्रोजेक्ट विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द क्लोज पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ऑफ यूनाइटेड नेशन, और ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके ये क्लोज पार्टनरशिप में आपको इस तरीके से फर्स्ट राइस ATM ओपन किया गया बेंगलुरु में। क्लियर, दिस प्रोजेक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर द BPL कार्ड होल्डर्स हु हैव फिल्ड देयर डिफिकल्ट टू गो फॉर द PDS, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा BPL के लिए। फर्स्ट टाइम ATM आप याद रखिए, अभी बेंगलुरु में इसका सेटअप किया गया सोर्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके सारे के सारे डिस्कस किए हैं आपके करंट अफेयर्स के। बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे हर बार बोलता रहता हूँ, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जनरल स्टडी पढ़िए अच्छे तरीके से पढ़िए, और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जनरल स्टडी के, बाद में आपके पास टाइम नहीं मिलेगा इतना आपको पढ़ने के लिए। टेक्निकली पढ़िए पूरा टाइम अगर आप लोग दे रहे हैं तो, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपका फर्स्ट आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में आपको 200 मार्क्स का आपका जनरल स्टडी आएगा और 300 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन होगा। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 घंटा आप लोग जनरल स्टडी पढ़िए, 7 घंटे आप लोग यहाँ पे टेक्निकल पढ़िए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।